सो दोस्तों लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग इज कॉल्ड कॉल्ड टू टू नेम्स नेम्स इट्स इट्स चैप्टर नंबर नंबर सिस्टम और रैशनल एंड ई रैशनल नंबर ये बताने से पहले ना मैं जो बात कर रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को तो कायदे से सुनिएगा डाउट हो तो पूछिएगा क्योंकि ये समझ गए तो ये चैप्टर फिर आपके लिए मक्खन होने वाला है इस बात का कोई शक नहीं है कायदे से सुनिएगा डाउट होगा तो पूछिएगा कॉपी मत करना जब तक नहीं बोले कॉपी मत करना जब तक नहीं बोले ठीक है ना देखो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा का जो हो सकता है है वो फिर से बोले क्या बोला मैं बोला दुनिया में जो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट हो सकता है वो रियल नंबर्स है आई रिपीट माई स्टेटमेंट दुनिया में जो सबसे बड़ा सेट हो सकता है वो किसका है बोलो बोलो रियल नंबर्स का अब आप पूछोगे सर ये रियल नंबर क्या होता है रियल नंबर का मतलब सरल भाषा में बोलू तो कोई भी नंबर जो आप जानते हो खत्म मतलब वन टू थ्री रियल नंबर है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सर रियल नंबर है सर वन बाई फाइव रियल नंबर है सेवन बाई फाइव रियल नंबर है वन बाई टू रियल नंबर है माइनस वन बाई टू रियल नंबर है थ्री पॉइंट टू रियल नंबर है थ्री पॉइंट टू फाइव टू फाइव टू फाइव रियल नंबर है कहने का अर्थ है जो भी नंबर आप अपना वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में सोच सकते हो वो रियल नंबर है तो अगर कोई बोल दिया कि भाई रियल नंबर है तो मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है आप लोगों को बनवा दे रहा हूं ना ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे भी सुनिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं काफी बार किताबों में लिखा रहेगा आर आर का मतलब है रियल नंबर खैर जो भी है वो जब जरूरत पड़ेगा तब बात करेंगे अब दोस्तों ये जो रियल नंबर की पूरी स… सीरीज है इसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं दुनिया में जितना नंबर है वो रियल नंबर है सही है ना अब मैं इनको दोस्तों दो हिस्सों में बांट रहा हूं एक वो नंबर्स है डियर स्टूडेंट्स जिनमें डेसिमल नहीं है आप लोग समझिएगा जिनमें डेसिमल नहीं है एक वो नंबर्स है जिनमें डेसिमल नहीं है और एक जिनमें डेसिमल है एक जिनमें डेसिमल है और एक जिनमें डेसिमल नहीं है डेसिमल नहीं है का मतलब, नहीं है का मतलब, मतलब डेसिमल नहीं है है थ्री माइनस थ्री माइनस सेवन सेवन समझ में आ रहा है बात आप लोग को जिसमें कोई डेसिमल वाला चक्कर नहीं है बात समझ में और एक जिसमें डेसिमल का चक्कर है उदाहरण के तौर पर टू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट वन सिक्स पॉइंट सेवन माइनस सिक्स पॉइंट एट कुछ भी कुछ भी कुछ भी वॉट आई इंटेंड ऑन कम्युनिकेटिंग इज कि रियल नंबर दो तरीके का हो गया एक विदाउट डेसिमल और एक विथ डेसिमल याद रख लीजिएगा एक बात को रट लीजिए इफ यू में कि दुनिया में जो नंबर्स विदाउट डेसिमल होते हैं ना उन्हीं को प्यार से इंटीजर्स या या Z I से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी लिखने का जरूरत नहीं है सुनते चलिए उन्हीं को इंटीजर्स या Z या I से रिप्रेजेंट किया जाता है बात समझ में आ रहा है यस सर बात समझ में आता है अब मैं क्या बोल रहा हूं ये जो विदाउट डेसिमल के नंबर रहे ना दोस्तों इसको भी मैं तीन कैटेगरीज में बांट रहा हूं जो विदाउट डेसिमल के नंबर्स है इनको भी मैं तीन कैटेगरीज में बांट रहा हूं नंबर वन नंबर वन नंबर वो नंबर्स जो नेगेटिव है नेगेटिव है एग्जाम्पल दो सर विदाउट डेसिमल है पर नेगेटिव एग्जाम्पल माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस हंड्रेड कुछ भी कुछ भी कुछ भी आ रहा बात समझ में एक है दोस्तों आपको पता है जीरो और एक है दोस्तों वो नंबर्स जिन लोग क्या है पॉजिटिव है इन देयर ओन राइट जिन लोग क्या है पॉजिटिव है सर पॉजिटिव विदाउट डेसिमल नंबर्स का एग्जांपल क्या हो गया मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं ना डॉट 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 बात समझ में आती है फिर से कह रहा हूं बात समझिएगा चैप्टर एकदम आसान कर देंगे आप लोग के लिए रियल नंबर्स दुनिया का बिगेस्ट सेट पॉसिबल ऑफ नंबर्स ठीक है ना विदाउट डेसिमल्स वाले नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं विथ डेसिमल का तो मैंने भी कुछ बात भी नहीं किया विदाउट डेसिमल में भी तीन कैटेगरी है डेसिमल तो नहीं है पर नेगेटिव हो सकता है यश यस और नो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है हंड्रेड परसेंट यथार्थ बात समझ में आ रहा होगा प्रथम बात समझ आ रहा होगा अब मैं आगे बात करता हूं धनिषा या सर नो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को एवरी वन प्लीज पे अटेंशन जो नंबर नहीं है जिसमें डेसिमल नहीं है पर पॉजिटिव है तनिशी फिर से बोल रहे हैं आपको जिसमें डेसिमल नहीं है पर फिर भी पॉजिटिव है उन नंबर्स को अपने लोग नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं और मैथ्स में उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बात समझ में आ रहा होगा आज आप लोगों का सारा कंफ्यूजन खत्म करने का गोल रख रखे ये ये बात तो सही है अब मैं ये कहने लग रहा हूं आप आप लोगों को को कि अगर नेचुरल नंबर्स वाली फैमिली में आप जीरो को भी इनवाइट कर, कर दो जीरो को भी नेचुरल नंबर वन से शुरू हो रहा है पर जीरो बोल रहा है कि हमको भी इस फैमिली का हिस्सा बनना है जीरो भी अगर इस फैमिली का हिस्सा बन गया नेचुरल नंबर वाली फैमिली का तो इस फैमिली का नाम रखा जाता है फैमिली पूरी हो जाती है इसीलिए बोलते हैं होल वर्ड वी यूज होल नंबर एंड दोस्तों करते हैं होल नंबर को रिप्रेजेंट डब्लू से करते हैं डाउट हो इंडिविजुअली बिना शर्माए आराम से पूछना ठीक है ना और negative है। negative को प्यार से कुछ नहीं बोलते वो नेगेटिव है लेट इट बी नेगेटिव ओनली ऑनलाइन क्लियर है ऑफलाइन दोस्तों क्रिस्टल क्लियर यस ऑर नो कम ऑनलाइन क्लियर है यस ऑर नो कम ओके सर सो अगर इतनी बात क्लियर है आप सबको पहले आप इस पार्ट ऑफ द डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए कम ऑन एवरी वन ऑनलाइन में मेक श्योर sure जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं कंफर्मेशन दें चैट में ही डाउट है तो पूछे क्लियर है तो कंफर्म करें ओके कॉपी कर लीजिए सर फटाफट और ताशी वी आर अवेटिंग योर कंफर्मेशन, मेक श्योर रिस्पॉन्ड यू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली ओके विथ डेसिमल वाला किस्सा भी मैं शुरू कर रहा हूं सानवी पीछे क्लियर आपको अनुराग क्लियर आपको इधर पे धनीशा व्हाट अबाउट यू परफेक्ट तन में पीछे तन में आगे ओके राघव मोक्ष ग्रेट सुहा आपका मनन आशी, दीप्ति रिमिशा तनिषी आप बताइए मान्यता प्रगति पलक ओके जी ठीक है जी यश वेदांत भाई क्लियर है ओके जी तो ये है सर आपका इधर का ढांचा सर लेकिन आपको तो हम लोग को रैशनल इेशनल बताना चाहिए मैं बोला ना आप खाली सुनते चलो दुनिया में जितने टर्मिनोलॉजीज है जितने वर्ड्स है सब क्लियर हो जाएंगे एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न कंडीशन है आप लोग सुन रहे हो सुनने का एक्टिंग करोगे तो नहीं बात बनेगा है ना ओके अब विथ डेसिमल वाली कहानी पे चलते हैं है ना कॉपी हो गया होगा आई थिंक अगर बाकी है तो एक मिनट और मैं रुक जाता हूं ठीक है आशी ओके अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को ध्यान से तो सुनिएगा देखिए विथ डेसिमल का अगर हम लोग बात करें ना तो अगर जिन नंबर्स में डेसिमल है उनमें सर फिर दो तरीके का बात हो गया हेलो दो तरीके का बात हो गया अगर डेसिमल है आप में आप में मतलब उस नंबर में तो फिर दो तरीके का नंबर हो गया एक होता है दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बोलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है एवरी वन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है एवरीबडी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझिएगा बात को एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सर ये टर्मिनेटिंग कौन सा वर्ड हो गया टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाता है नाम में ये बता दिया मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाता है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो थैंक यू वेरी गुड अब मैं ये बता रहा हूं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण दीजिए सर ऐसे नहीं क्लियर होगा मैं आज अगर किसी से पूछा तनिषी से ट्राई करते हैं पूछे तनिषी फाइव बाई टू की वैल्यू क्या होती है फाइव बाई टू होता है टू पॉइंट फाइव अगर पांच को दो हिस्सा में बाटे तो ढाई रुपया ढाई रुपया ही होगा ना तो टू पॉइंट फाइव है तो तनिशी ये 2.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है आप बोलोगे पर इसको टर्मिनेटिंग बोल क्यों रहा है सर आप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पॉइंट के बाद ये रुक गया 5y इसलिए नहीं क्योंकि पॉइंट के बाद ये रुक गया एग्जांपल 3.14 पॉइंट के बाद ये रुक गया 2.10 पॉइंट के बाद ये रुक गया तनिशी बात समझ में आता है यस सर अगर बैग में इशू हो तो आप पीछे भी रखवा सकते हो

इधर साइड में देखो क्या बात करते हो यार देखो थ्री थर्टी थ्री जा नाइनटी नाइन है जी नाइनटी नाइन होता है बराबर है जी ये लिखा मैंने वन हाँ ये लिखा पॉइंट ये मैंने लिया जीरो ये मैंने लिखा थ्री ये मैंने लिखा नाइन ये मैंने लिखा वन ये मैंने लिखा जीरो ये मैंने लिखा थ्री ये लिखा नाइन ये लिखा वन ये लिखा जीरो लॉजिकली एंड करेक्ट करके इसको रोक के दिखा दो मैं पांच सौ क्लास में दूंगा तुम लोग को राउंड ऑफ कर सकते हो कि 33.33 लिख दिए पर इन रियलिटी क्या ये लोग रुक रहा है क्या क्या रुक रहा है क्या नहीं इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसलिए इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं इसलिए एवरीबॉडी इसको हम लोग नॉन टर्मिन क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुकता नहीं है सही है सर उदाहरण के तौर पे मैं लिख देता हूं 3.33 डॉट 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 देने का पर्पस है रुक नहीं रहा अच्छा एक चीज और मैं लिखवाना सिखा देता हूँ एक चीज और मैं लिखना सिखा देता हूँ प्लीज रुक जाइए ना ये मैं अभी यूज करने वाला हूँ ये लैंग्वेज इस वजह से मैं समझा रहा हूँ प्लीज सुनना अब क्या ना बड़ा अजीब लगेगा अगर मैं ऐसे लिखू फाइव पॉइंट सेवन टू सेवन टू सेवन टू सेवन टू सेवन टू डॉट डोट डॉट बड़ा अजीब लगता है, है ना समझ में तो आ गया कि क्या बार-बार रिपीट हो रहा है 72 बार-बार रिपीट हो रहा है तो इसको डियर स्टूडेंट्स मैथ्स में अब 5.72 72 72 डॉट 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 ऐसे नहीं लिखेंगे अब से 5.72 लिखेंगे और इसके ऊपर एक बार बना देंगे 72 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 72 रिपीट हो रहा है बात समझ रहे हो 72 रिपीट हो रहा है तो सेम लॉजिक से मुझे आइडियली ये 3.33 ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे ये कर देना चाहिए था 3.3 मैंने लिख दिया और इसके ऊपर मैंने टान दिया बार ये समझाने का अर्थ है कि वो जो नंबर थ्री है लास्ट में जिसके ऊपर बार है वो बार बार आएगा क्यों है बार क्योंकि वो बार बार आएगा इसलिए उसके ऊपर लग जाता है बार बात समझ में आया क्या यस सबके सब ऊपर नहीं कोई गधा होगा तो ऐसे करेगा बिल्कुल नहीं थ्री जो डेसिमल के सामने वाला थ्री है वो थोड़ी रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद वाला थ्री प्रथमेश केवल रिपीट हो रहा है ना तो इसलिए खाली डेसिमल के बाद वाले थ्री पर आप ये लगाएंगे बार क्लियर है भाई वे वेदांत ये यथार्थ ओके वेरी गुड यार अब दोस्तों पिक्चर को लेकर चलते हैं आगे पिक्चर को लेकर चलते हैं आगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सर अब तक तो मामला एकदम सही चल रहा है अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना परेशानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ है अब क्यों क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी अब दो तरीके का हो सकता है

नॉन-टर्मिनेटिंग के अंदर लिख रहा हूं इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि ये रुकने वाला तो है नहीं कोई किस्म से ये तो तय है कि ये रुकेगा तो नहीं रुकेगा तो नहीं लेकिन 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 लेकिन, लेकिन ये रिपीट जरूर करेगा उदाहरण टू पॉइंट फाइव टू फाइव टू फाइव टू डॉट 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 तो ये रिपीट हो रहा है तो इसकी जगह मैं क्या ये नहीं लिख सकता बताओ टू पॉइंट फाइव टू और उसके ऊपर डैश इसको बोलते हैं रिपीटिंग रुक तो रहा नहीं है पर रिपीट हो रहा है पैटर्न रिपीट हो रहा है टक 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 बार बार वही हो रहा है हाँ या ना पर आता है सबसे खतरनाक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग एवरी वन बोलो बोलो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग क्योंकि अब आप लोग समझिएगा यहाँ पे क्यों क्योंकि आप लोग को मैं ये समझाता हूँ यहाँ पर समझिएगा अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ

वन जनरली कुछ नंबर लिख रहा हूँ 9265359... पाई का अच्छा ये भी नहीं है। ये तो मैंने कुछ हिस्सा वैल्यू का लिख दिया ये एक्चुअल वैल्यू भी नहीं है अब आप लोग अगर कायदे से ध्यान देंगे मैं इसको जूम कर देता हूं आप लोग देखिए थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स फाइव थ्री फाइव नाइन डॉट 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 कोई भी पैटर्न मिल रहा है तो बता दो मेरे को कोई पैटर्न दिख रहा है क्या नहीं इसीलिए बोला नॉन रिपीटिंग मतलब जो रुकेगा तो नहीं जो रुकेगा तो नहीं जो रुकेगा तो नहीं लेकिन जो रुकेगा नहीं लेकिन पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा पाई का एग्जांपल है सर ऐसा और कोई नंबर अरे अजीब बात करते हो तुम बना लो कोई भी नंबर तुम बना लो कोई भी ऐसा नंबर टू पॉइंट अपना फोन नंबर लिख दो इसके बाद

ओके okay, ताशी वेरी गुड कॉपी कर लीजिए ताशी एंड लेट मी नो आपके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग प्रथमेश कॉपी हो गया ग्रेट तनिषी समझ आ रहा है हुआ क्या राइट सर एवरी वन डन है सर आई थिंक कॉपीड है सर समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को राइट सर डन है बातचीत चमक गया हम लोग को ये रहा देख लीजिए भाई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करके भी मैंने आप लोगों को लिख कर दिखा दिया है आई हंड्रेड परसेंट श्योर कोई दिक्कत नहीं आया आप लोग को फेंटास्टिक ऑनलाइन में भी एक बार ताशी से पता कर लेते हैं हाँ ताशी जी बताइए क्लियर आपको मैडम ओके okay.

जा सकता है यदि आप किसी नंबर को प्यू बाई फ्यू, को, क्यू, क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वैसा को हम क्या बोलते हैं बोलते है हम लोग को सर सर एक बात बताओगे हम बोला बताओ क्या कि सर ये इतना बड़ा जो आप हम लोग को फोटो बनवाए हैं इसमें ये बताइए आप कि इसमें रैशनल कौन सा ई कौन सा सीधी बात नो बकवास खाली एक है खाली एक है खाली एक है जो इरेशनल है बाकी सब रेशनल है और वो है आपका वो नंबर्स जिन लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है जिन लोग नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ अब अब अपना गदा होने का सबूत मत दो मैंने ये नहीं बोला कि नॉन सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल होते हैं गलत बात है गलत बात है पाप लगेगा हम बोला कि वो टर्म नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या बोला बोलो बोलो फिर से वो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो नॉन रिपीटिंग भी है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो नॉन रिपीटिंग भी है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो नॉन रिपीटिंग भी, भी है बात समझ में आया ना समझ में आ रहा है एक बार समझना बात समझना बात समझना देखो

टर्मिनेटिंग क्या बोलता है कि भाई हम रुक जाएगा हम रुक जाएगा मेरे पास डेसिमल तो है पर हम रुक जाएगा उदाहरण क्या होता है थ्री हाँ. तो हो वो जो मूवी आया था ना पुष्पा उसकी जा, उसके जैसा है झुकेगा नहीं साला है ना तो बस ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलता मैं रुकेगा नहीं साला बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकेगा नहीं जो रुकेगा नहीं पर अब जो रुकेगा नहीं उसमें दो कैटेगरी आ गया एक जो रुकेगा तो नहीं पर पैटर्न रिपीट करेगा और दूसरा जो रुकेगा तो नहीं पर पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा इरेशनल बाबू लोग केवल वो है जो ना रुकेगा ना पैटर्न रिपीट करेगा इज दैट क्लियर यस और नो यस सर तो यानी कि इरेशनल नंबर्स ऐसे करके आप लोग यहाँ पर स्टार मार दो या इस, इस मत लिखो ऐसे इसमें मत छेड़ो आप लोग ऐसे लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग प्लस प्लस लिखा हूं मैं नॉन रिपीटिंग केवल इरेशनल होते हैं ओनली इरेशनल ओनली इरेशनल ओनली इरेशनल ओनली इरेशनल बस ओनली इरेशनल जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है दोस्तों केवल वो लोग इरेशनल है बाकी सब के सब लोग रैशनल है Only वो लोग कौन से लोग इरेशनल है जो लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है रिपीट रिपीट केवल लो के के वो लोग इरेशनल है बाकी सारे के सारे लोग पी एक्सप्रेस हो सकते हैं बाकी सारे के सारे एक्सप्रेस और मतलब वो लोग रैशनल है मतलब वो लोग

कॉपी भी हो गया होगा कॉपी भी हो गया तन में क्लियर है भाई, अब मैं लिखा नहीं जा सकता एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा नंबर होता है बात को कायदे से समझिएगा आप रूट ओवर निकाल दीजिए वो नंबर्स का जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो लोग इरेशनल होंगे

मतलब दुनिया में कोई भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके फाइव नहीं आ सकता इसीलिए एग्जाम्पल हो गया रूट फाइव रूट सेवन रूट इलेवन रूट ओवर नाइन मत बोलना क्योंकि रूट ओवर नाइन होता है थ्री नहीं समझे क्या रूट ओवर नाइन डियर स्टूडेंट्स होता है थ्री तो इसलिए रूट ओवर नाइन मत बोल दीजिएगा आई एम श्योर बात समझ में आ रहा है आप लोगों को यस सर कॉपी कर सकते हो कोई टेंशन नहीं है इेस्टल नंबर्स बता रहा हूं कॉन्सेप्ट को जो है मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला रैशनल इरेशनल क्या होता है तो डाउट है परेशानी है कोई भी दिक्कत है कहीं से भी पूछना है पूछ लो अभी ये रहा ये कॉपी करना है आप लोग को टोटल फटाफट और नोट्स मेंटेन करिएगा कायदे से है ना या मैं बात करू क्या हेलो क्या मैं बात करू क्या प्लीज अभी यहाँ पर सुनिएगा ये हो गया नंबर ये हो गया बोलो नंबर ये हो गया आपका ई रैशनल बात नंबर दो बात नंबर दो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ऐसा है इनफैक्ट इसमें एक ही बात अभी लेकर चलो दूसरा आपको जब मैं जुड़वाना होगा तब मैं जुड़वा दूंगा अभी एक ही बात लेकर चलो आप लोग बात समझ में आ गया ना हंड्रेड परसेंट आ गया होगा खैर अब क्वेश्चन के टाइप में जाते हैं है ना questions दो तरीके का आएगा फर्स्ट एक एक करके कर रहे हैं प्रोसीड है ना सबसे पहले है हेडिंग डालो इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स सबसे पहला फेमस क्वेश्चन है वैरायटी एक एक करके सब कवर होगा ना हर बड़ा ना मन वैसा नहीं करवाए वैसा नहीं करवाए हम थोड़ी बोला कि आज फर्स्ट और लास्ट क्लास है, है इसका तो रिलैक्स हेडिंग डालो इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स अब इसमें क्या मैं आपको दो तरीके मुख्य आपको समझाना चाहता हूं क्वेश्चन लिखिए आप लोग लिखे आप लोग इंसर्ट फोर रैशनल नंबर्स फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री बाई फोर एंड फाइव बाई सिक्स अब दोस्तों मैं ये बता देता हूं कि इस सम को करने का प्लीज कायदे से सुन लीजिएगा लर्न कर लीजिए जो करना है कर लीजिए इंसर्ट फोर रैशनल नंबर्स है है ना डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू ऑल इज बाबू मैं आपको तीन तरीका सिखाने वाला हूँ सर so, तीन क्यों ऐसा है ना कि हर स्कूल में टीचर अलग फॉलो होता है अब मैं एक सिखा दूं तो वो ईगो वाला लड़ाई हो जाएगा वो टीचर बोलेगा एटा तो बोल लो ना अमी तो मार्क्सा दे ना इस तरीके से वो बोल देगा तो वो वाला परेशानी की वजह से और हम बोलेगा मार्क्स देबो ना तो वो तो ईगो वाला क्लास के अंदर स्टूडेंट नहीं फंसना चाहिए ना तो हम तुमको तीनों मेथड सिखा रहा है तुमको क्या इजी लगता है इजी तीनों ही लगेगा तुमको क्या इजी लगता है तुमको कहा क्या करना है ये पूरी तुम्हारी मर्जी है जो स्कूल में तुम्हारे एक्सेप्ट हो यू फॉलो दैट बराबर है पर मैं तीनों मेथड बताने वाला हूं आप लोग को सुनना कायदे से सुनना अब कॉपी मत करना प्लीज रिलैक्स एकदम सुनना क्वेश्चन समझ गए कि, कि थ्री बाई फोर और फाइव बाई स के बीच में चार रैशनल नंबर इंसर्ट करो अब ये लोग अगर बोल रहे हैं थ्री बाई फोर और फाइव बाई नंबर इंसर्ट करो तो मैं सीधी बात करता हूं मैं सीधी बात करता हूं मैं सीधी बात कर रहा हूँ मैं एवरी वन ये सीधी बात कर रहा हूँ कि मैं ऑल्टरनेटिवनेटिवन इसको मैं यूज बोलता हूँ क्या बोलता हूँ सबसे ज्यादा ये फेमस है सबसे ज्यादा ये फेमस है अब सुनिए कायदे से क्या है एवरी वन लिसन बाबू थ्री बाय फाइव फोर और फाइव बाई सिक्स लिख दिया ना आपको अब आप लोग क्या करना है कायदे से सुनेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप लोगों को एलसीएम ले लेना है फोर और सिक्स का

बच्चा सही बोला वो बोल रहा है कि इंटू थ्री करके आप पहुंच सकिएगा अब जो रूल है वो ये है कि जो नीचे होगा वही ऊपर करना है तो ऊपर भी अपने कर दिए। वैसे ही नीचे है, क्या करेंगे इंटू टू तो ऊपर भी क्या करना होगा इंटू टू परेशानी आप लोग समझिए परेशानी समझ रही आप लोग यहाँ पर देखिए फाइव इंटू टू हो गया टेन हाँ या ना अब देखो ये हो गया ट्वेल्व अब रियल लाइफ में परेशानी मेरा ये है सर हाय तोबा है तो, है तो वाला बात हो गया क्या बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम क्या है आप लोग समझिएगा एवरी वन प्रॉब्लम क्या है आप लोग ये समझिएगा प्लीज फोकस एवरी वन प्रॉब्लम ये है कि नाइन बाई ट्वेल्व एक नंबर है और टेन बाई ट्वेल्व एक नंबर है परेशानी ये है कि मान लीजिए किसी बच्चे का नौ आया बारह में से तो इससे ठीक ज्यादा क्या होता है दस बारह में तो इनके बीच में कोई नंबर अटक सकता है क्या सॉरी नहीं अटक सकता हंस गए हम लोग तो क्या करें क्योंकि इनके बीच में तो कुछ भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है निकलो यहां से अभी सम बाकी है फिर क्या करना है थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना है थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना है मेरे को कितना नंबर इंसर्ट करना है बोलो four. तो मैं अब एक नंबर सोच रहा हूं ऐसे ही मैंने एक नंबर सोच लिया मान लीजिए मैंने ऐसे ही एक नंबर सोच लिया फोर या फोर से एक बढ़ा लो क्या सोच लिया फाइव फोर वो लोग बोले हम फाइव बोला क्या बोला फाइव तो मैंने बोला फाइव इन इसमें भी कर लो और फाइव इंटू इसमें भी कर लो कर लिया क्या जो नीचे करेगा वही वही ऊपर करेगा हाँ या ना बोलो तो यही नाइन बाई आपका क्या फोर्टी फाइव बाई सी और ये क्या बन गया फिफ्टी बाई सिक्सटी अब आप लोगों को पता है मैं क्या बोलने वाला हूं तो रियल लाइफ में हमें फोर्टी फाइव बाई सिक्सटी और फिफ्टी फाइव बाई सिक्सटी के बीच में कितने नंबर को इंसर्ट करना है बोलिए फोर को कितने को फोर को तो यू विल नो द ट्रिक 45/60 से नेक्स्ट ज्यादा नंबर क्या होगा 46/60 फिर क्या होगा 47/60 फिर क्या होगा फिर क्या होगा सम खत्म चार इनसर्ट करना था और रैशनल है ये बात तनिशी इसलिए सच है क्योंकि देख लो हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे वरना हम कर ही नहीं पाता सुहाना भैया किसको किसको क्लियर है हाथ उठाना

नहीं हो, होता एग्जाम्पल करके दिखाता हूं हालांकि मैं डिलीट कर ये ये देखो ये रहा आया था हाँ या ना बोलो क्या आया था और क्या आया था टेन बाई ट्वेल्व अरे भाई ऐसा है मैं अगर इन दोनों में सेवन भी मल्टीप्लाई कर देता लो करके दिखा दिया सेवेंटी बाई एटी फोर और सिक्सटी थ्री बाई 84 हाँ या ना बोलो अब लिखो इसके बीच में तो भी तुम टीचर का हिम्मत नहीं है नंबर काट दे तो क्या होगा आंसर 64/84 65/84 66/84 67/84 लो और नंबर्स दे दिया 68/84 69/84 70 हम बोल नहीं सकते क्योंकि वहीं अपने पहुंचना है तो देख लो वो लोग चार बोला तो हम छह दिया और तुम इसमें से कोई भी चार पिक करके बोल दो आंसर अरे हां या ना बोलो यस yes, सर बात समझ आया खाली एक रूल याद रखना है खाली एक रूल याद रखना है क्या पहला बात तो कि रटो नहीं और दूसरा बात यह समझो कि अपने को डिनोमिनेटर को बराबर करना है अपने को डिनोमिनेटर को बराबर करना है मतलब इसका डिनोमिनेटर फोर की जगह देखो मैंने सिक्सटी कर दिया सिक्स का भी मैंने सिक्सटी कर दिया ये हो गया ऑल्टरनेटिव वन ऑफलाइन वालों क्लियर है तो हाथ उठाना ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट तो सीखो ऑनलाइन वालों क्लियर हो तो ईमानदारी से बताना हाथ उठाना कंफर्म करना ऑनलाइन वालों वेरी गुड कॉपी कर सकते हैं आप लोग आप कॉपी कर लीजिए राघव कमऑन हो गया क्या बताइए यस सर ऑनलाइन वालों डन है क्या हाँ जी सर कॉपीड है ये हो गया पहला रास्ता एवरीबडी ये हो गया आपका पहला रास्ता वही लिखना पड़ेगा मतलब हाँ हाँ तो नहीं तो फोर्टी फाइव बाई सिक्सटी को लिख दो थ्री बाई फोर और इसकी जगह क्या लिख दो फाइव बाई सिक्स और बीच के नंबर्स को लिख लो अब आपको काटाकूटी करके लिखना है तो वैसे लिखो ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो समझ में आ गया जहाँ कुटी हो सकता है वहां काटा कुटी कर देना चाहिए मान्यता क्या बोल रही है कि जैसे बीच का नंबर 46 हो सकेगा तो उसको ट्वेल्व से काटोगे तो फोर बाई फाइव आ जाएगा वैसे ही फोर्टी नाइन बाई सकुटी हो नहीं सकेगा बात समझ में आ गया ना बात बहुत बेसिक था की जहाँ काटाकुटी हो सकता है वहां काटाकुटी कर दो तो पहले तो ऑल्टरनेटिव वन बताया हूं मैं तो एक क्वेश्चन देता हूं वो करके बताया उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन है आपका इंसर्ट फाइव रैशनल नंबर्स फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन इसी मेथड से करो पहले बिटवीन वन बाई टू एंड टू बाई थ्री इंसर्ट 5 rational numbers between 1 by 2 and 2 by 3. ओके okay, जी वेरी गुड बात करते हैं इंसर्ट फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन वन बाई टू एंड टू बाई थ्री यस सर सो अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ ना एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनिएगा अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग को सिर्फ ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि देखो एलसीएम तो सिक्स आ रहा है तो ये फोर बाई हो जाएगा और थ्री बाई सिक्स हो जाएगा तो बात तो उसमें कुछ खास मेरा बन नहीं रहा है मैं ये बोलता हूं, पहले को बराबर तो सिक्स ले तो एलसीएम तो लेना आता है तो अगर मनन मैं एलसीएम को लेकर बराबर करना चाह तो इसके लिए इन टू थ्री करना होगा तो मतलब मैं वन बाई टू को दोस्त मनन थ्री बाई सिक्स लिख सकता हूं डियर वैसे डियर स्टूडेंट्स ये टू बाई थ्री है तो इसको सिक्स लेने के लिए इंटू टू और इंटू टू डियर स्टूडेंट्स फोर बाई सिक्स करना होगा हाँ ना बोलना होगा हाँ या ना बोलना होगा यस सर ऑनलाइन वालों यस सर नो कम ऑन गाइस ओके अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को कि अब आपको पांच रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना है मैं एक सिंपल सा बात करता हूँ आप लोग के साथ पांच इंसर्ट करना है ना उसमें से एक बढ़ा लो छह बढ़ा लिया क्या बना लिया छह तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं ना मैं दोनों को में से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं ठीक है ना देखने के लिए नहीं होगा तो और आगे बढ़ा लेंगे इधर देखो थर्टी सिक्स और इधर सिक्स किया तो बोलो क्या आया एटीन और इधर देखिए स्टूडेंट हमेशा एक बढ़ा लेना अनुराग कितना मल्टीप्लाई करना है? एक मतलब समझ गया मनन कितना इंसर्ट करना था पांच तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना फाइव प्लस वन सिक्स तो देख जब मल्टीप्लाई किया तो क्या किए सिक्स अगर छह इंसर्ट करने बोलता ना प्रगति अगर छह इंसर्ट करने बोलता ना तो मैं सात मल्टीप्लाई किया होता अब मैं ये बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये देखिए पूरा का पूरा पिक्चर सामने आ गया आपके तो बाबू ऐसा है एक नंबर आप लोग देखिए यश एटीन बाई है और यश एक नंबर आपका

हाँ या ना सात बोला होता ना तो मैं आठ मल्टीप्लाई करता समझ में आ गया मल्टीप्लाई वो करो पहले एलसीएम को बराबर करो पहले स्टेप वन पहले एलसीएम लेके बराबर करो फिर डिनोमिनेटर में फिर से मल्टीप्लाई करो क्या करो जितना इंसर्ट करना उसमें प्लस वन जितना इंसर्ट करना उसमें आई थिंक समझ आ गया ऑनलाइन क्लियर है हाँ ना बोलिएगा जी फेंटास्टिक तो पिक्चर दोस्तों आगे बढ़ाते हैं सर आप तीन बोलने वाले थे एक ही मेथड आप लोगों ने रोका है पूरा पैसा दिए हम लोग ऑल्टरनेटिव टू भी बताना होगा आपको ओके okay. हेडिंग डालो ऑल्टरनेटिव टू ऑल्टरनेटिव टू लिखे आप लोग ऑल्टरनेटिव टू ऑल्टरनेटिव टू अब अल्टरनेटिव टू के अंदर क्या आ रहा है आप लोगों का ध्यान से सुनिएगा अब अल्टरनेटिव टू के अंदर आपका क्या आ रहा है मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ ना जो मैं करवा रहा, रहा था और सबसे आसान है बहुत ही आसान है बस मेहनत ज्यादा है इसमें ये, ये देखो क्या है आज मैं आपको बोलता सुनो कायदे से समझो मैं आपको बोला फाइव और सेवन के बीच में रैशनल नंबर बताओ आप लोगों के मन में तुरंत सिक्स आ रहा है जोर से सिक्स कैसे आया सोचे कभी जिंदगी में फाइव प्लस सेवन बाई टू करके दोनों का एवरेज लेके दोनों का एवरेज लेके क्योंकि दोनों के बीच में है तो दोनों को ऐड करके बाई टू ने किया विश्वास होता देख लो वैसे ही कुछ भी नंबर बोल लो जैसे टेन और ट्वेल्व है हाँ या ना बीच में क्या आता है इलेवन कैसे किया बाई टू करके हा या ना बोलो अरे तो भाई जवाब ये है कि इसमें भी यही करो अगर आपको थ्री बाई फोर दिया है और फाइव बाई सिक्स दिया है, कितना इंसर्ट करने बोला है बोलो फोर तो बस सीधी बात नो बकवास चार अगर इंसर्ट करने बोला है अब चार बार एलसीएम लेके डिवाइडेड कर दो तो आधा भी तो करना होगा तनिषी यस और नो अब देख लो हाफ इन टू इधर पे अंदर में एलसीएम ले लो ये ट्वेल्व हुआ फोर थ्री 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 झा नाइन सिक्स टू झा टू फाइव झा टेन यानी कितना कितना हुआ बोलो by 2, by 12, ना, कितना है? बोलो ना पहला 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 नंबर 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 आ आ आ गया पहला नंबर आपका आ गया पहला नंबर आपका आ गया आपका आपका बात समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को वॉट आई मैंने बस इन दोनों को जोड़ दिया फोर और सिक्स कैल्सियम लिया ट्वेल्व थ्री नाइन सिक्स टू टेन और वहां कर दिया तो 19 बाई ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी पहला नंबर आ गया सर ये तो एक नंबर हुआ ये देखो बीच में मैंने लिख दिया 19 बाई ट्वेंटी हाँ या ना बोलो सर आपको तो चार निकालना है अरे बाबा तो इन दोनों के बीच में चार निकालना है ना हाँ या ना तो इन दोनों को फिर से ऐड करके बाई टू कर दो हाँ या ना क्योंकि जो इन दोनों के बीच में आएगा वो इसके और इसके बीच में तो पक्का आएगा

पक्का ये बात कि सब बीच में आ रहा है कोई इसमें शक वाली बात नहीं है समझ में आया तो सर ये देखो 37/48 आया इसको मैं यहां लिख दिया हाँ या ना बोलो यस सर ये दो आ गया दो पूरा हो गया ना एक और दो सर कितना चाहिए था चार चार करना है ये लो अब इन दोनों के बीच में एक निकाल दो हाँ या ना बोलो इन दोनों के बीच में मतलब 19/24 19/24 प्लस फाइव बाई सिक्स और उसका भी क्या कर देना है बोलो हाफ कर देना है सो डियर स्टूडेंट जब उसका भी हाफ कर दिए तो ट्वेंटी फोर नाइन प्लस देखिए ट्वेंटी फोर बाई है ट्वेंटी आता है ना एडिशन करना तो आता है ना अगर किसी को लगे नहीं आता तो बोलना तो ये कितना आ गया थर्टी नाइन बाई ट्वेंटी फोर यानी कितना आ गया बोलो थर्टी नाइन बाई फोर्टी एट ये लो तीसरा नंबर तीन और एक चाहिए और एक चाहिए जो मर्जी आया उसको ऐड करके बाई टू कर दो इन दोनों को ऐड करके बाई टू कर दो इन दोनों को ऐड करके बाई टू कर दो इन दोनों को करके बाई टू कर दो, इन दोनों दोनों को को ऐड ऐड करके करके कर कर दो दो सब अपना ही है आंसर आ गया तुम्हारा लॉजिक समझ आया क्या एड एंड बाई टू एड एंड बाई टू एड एंड बाई टू ऑनलाइन वालों क्लियर है ऑफलाइन वालों यस और नो कम ऑन गाइज यस सर कॉपी कर लेंगे प्लीज क्वेश्चन लिखो इंसर्ट फोर रैशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फोर एंड फाइव बाई लिखना इंसर्ट फोर रैशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फोर एंड फाइव बाई सिक्स अनलिमिटेड कर सकते हैं बिल्कुल मुख समझ में आ रहा है बात कर लीजिए फटाफट मेरे को लग रहा है तीसरा मगर बताया तो आप लोग जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए तो तीसरा बोलेगा ही नहीं ठीक है कि नहीं दो ही इनफ है आई थिंक सो दूसरा वाला तो क्या ही बोला हम खाली ऐड करो बाई टू एड करो बाई टू हुआ क्या कॉपी कर लीजिए आराम से हाफ करना है ऐड करके हाफ करना है ऐड करके और सर्कल मार देना जो जो बीच में आया ना थर्टी नाइन बाई फोर्टी एट थर्टी सेवन बाई फोर्टी एट और ये जो आपका आया नाइनटीन बाई ट्वेंटी फोर या ना बोलो यस yes, सर हाँ मान्यता बोलिए क्या है क्लियर है ना क्लियर है जी ये मेथड ज्यादा काम का पता है कहाँ है जहां पे डिनोमिनेटर ही नहीं रहेगा मतलब डिनोमिनेटर वन रहेगा तो वहां ये आई थिंक ज्यादा काम आएगा आप लोगों के कि यहाँ उसको भी दूसरे तरीके से चला जाया जा सकता है बट तब ज्यादा काम आएगा खैर अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आई थिंक ज्यादा आप लोगों को समझ में आना चाहिए हुआ क्या वेदांत डाउट है क्या क्लियर है वेदांत ओके क्लियर अनुराग वेरी गुड सानवी क्लियर आपको वेरी गुड जी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं उससे क्या है मेरे को समझ आ जाएगा कि क्लास को क्लियर है कि नहीं क्लियर है है ना ट्राई करेंगे आप लोग लिखे. Question hai. insert eight rational numbers. Insert eight rational numbers between minus one by three and two by seven. Between minus one by three and two by seven. Come on, try it and also, also arrange it in ascending order. Also arrange in AO ascending order. ऑल्सो अरेज इन असेंडिंग ऑर्डर मेथड इज योर चॉइस आपका मर्जी है मैं एडवाइस करूंगा पहला मेथड बाकी आपका जो मन है ये एक जनरल सम है सेकेंड मेथड खाली बताने के लिए बता दिया है